वंदन वार। चिंतन। भगवान महावीर का कथन है, सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है, सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है। दोनों मार्ग सुनकर ही जाने जाते हैं। बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो उसका आचरण करे। यह था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं। कहा
पांवों में बसा ले स्वयं शुद्ध हो जाएगा। तन में राम प्रवाहित होगा तो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। राम नाम सांसों में बसा ले स्वयं शुद्ध हो जाएगा। जिसने इसका वरण किया दीर्घ आयु फिर उसने पाए जिसने राम का भजन किया। दीर्घ आयु फिर उसने पाई जिसने राम का भजन किया। जिसके मुख में राम नाम हो हनुमत करुणा पाता है। जाप निरंतर बढ़ता है तो मन निर्मल हो जाता है। जाप निरंतर बढ़ता है तो मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध हो जाएगा। तन में राम प्रवाहित होगा तो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। अंतर में राम बसा ले जो कार्य सफल हो जाएंगे उसके हनुमत करुणा पाले जो। कार्य सफल हो जाएंगे उसके हनुमत करुणा पाले जो। स्वयं शुद्ध हो जाएगा। स्वयं शुद्ध हो जाएगा। स्वयं शुद्ध हो जाएगा।
Yeah.
नाजे गंग तारा के तुगे नाजे गंग तारा के तुगे नाजे गंग संग शनि चर हो तुरे रोजान के नाद हाज करे जब जान के नाद हाज जान के नाद हाज करे जान के नाद सफल हो
वंदनवार में अब सुनिए ये देशभक्ति रचना। देश
हमारा प्यारा देश हमारा अलग अलग है कर्म हमारे लेकिन फिर भी एक डोर में बंधे हुए हैं सारे देशगान के साथ ही आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।